नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम मीठे की रेसिपी बनाएंगे, तो ये सूजी से बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी है और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आप बना के देखिए, बिल्कुल अलग मिठाई है ये और बहुत ज़्यादा तेल भी इसमें हम नहीं डालेंगे। तो आइए बनाते हैं इसे। तो देखिए, हम सबसे पहले चाशनी बनाते हैं। ये मैंने 1/4 कप चीनी ली है और इसमें 1/4 कप ही हम पानी डालेंगे और इसे हम बॉईल होने देंगे। और टेस्ट के लिए हम थोड़ी सी 2 इलायची डाल देंगे इसमें। अगर आपको कलर डालना है तो इसमें आप थोड़ा सा कलर डाल दीजिए, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसे हम सिर्फ 10-1 मिनट तक लगभग उबालेंगे। और तो हमें थोड़ी चिपचिपी सी चाशनी बनानी है, बस बहुत कोई तार नहीं बनाना है। और 1-2 ड्रॉप हम इसमें लेमन की डाल देंगे, लेमन जूस की। उससे इसमें क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा और उसे हम एक साइड में रख देंगे बना करके। तो देखिए, कढ़ाई में मैंने ये 1 कप सूजी का लिया है। तो कढ़ाई आप नॉन स्टिक ले या मोटे तले के लिए, इसे 2-3 मिनट तक हमें भूनना है, बस सिर्फ 2-3 मिनट, ज़्यादा नहीं। और इसमें 3-4 चम्मच आप मिल्क पाउडर डालिए भूनने के बाद। और जैसे जिस कप से हमने सूजी ली थी या जिस कटोरी से लें आप, तो 1 कटोरी सूजी तो 2 कटोरी हम दूध डालेंगे। तो मैंने 1 कप लिया था, 2 कप मैंने दूध डाला है यहाँ। और फ्लेम को यहाँ हमें अभी मीडियम फ्लेम रखना है और अब इसे लगातार चलाएंगे हम, ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। जब एक बार ये थोड़ा गाढ़ा होने लग जाएगा तो हमें फ्लेम कम कर देनी है। और देखिए, 2-3 मिनट में ही ये डो की तरह बनने लग जाएगा। तो जब थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो आप गैस बंद कर दीजिए और इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। तो ये बहुत जल्दी हो जाता है, 4-5 मिनट में ही हो जाएगा ये सब। तो देखिए, मैंने थोड़ा इसे ठंडा कर लिया, बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है। अब इसमें 1-2 चम्मच आप घी डालिए और इसको मिलाते हुए एक अच्छे से इसका स्मूथ सा चिकना डो बना लेंगे हम। तो ये देखिए, कितने अच्छे से डो तैयार हो गया, बिल्कुल स्मूथ और चिकना डो बना है। तो आइए अब इससे हम सांचे बनाते हैं गोल। तो हम तो एक बड़ा सा हिस्सा इसका तोड़ के ले लेंगे और इस पर हम देखिए घी लगाएंगे थोड़ा। इस सांचे पर, आटे पर भी घी लगा देंगे और बेलन पर लगाइए। और जिस सरफेस पर आप बेलेंगे इसे, वहाँ पर आप थोड़ा घी लगा लीजिए, उससे अच्छे से बेल जाएगी। तो बहुत हल्के हाथों से आपको थोड़ा सा फैलाना है इसको। और देखिए, कुकी कटर है मेरे पास हार्ट शेप का, आप चाहे स्क्वायर में काटिए, डायमंड शेप काटिए, या आप गोल भी काट सकते हैं, कोई भी शेप ले लीजिए। तो इस तरह से देखिए, हम इसके ये बिस्किट टाइप से बना लेंगे ये। और मोटाई देखिए, आपको इतनी रखनी है, बहुत पतला नहीं करना है। तो इस तरह से आप कटिंग करके जैसे चाहे शेप में तैयार कर लीजिए। और देखिए, एक पैन में मैंने बहुत थोड़ा सा तेल लिया है, या घी ले लीजिए आप। और इसमें हम इसे शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। मीडियम फ्लेम रखिए और थोड़े हल्के हाथों से आप इन्हें पलट दीजिए, क्योंकि थोड़े सॉफ्ट होते हैं ये, टूट जाएंगे नहीं तो। बनने के बाद ठीक हो जाएंगे, पहले ही सॉफ्ट रहेंगे। तो देखिए, कितना अच्छा कलर आ गया। अब थोड़ा सा आप ब्राउन कर लीजिए, बहुत ब्राउन नहीं करा है। तो 5-7 मिनट में आप दोनों तरफ से इन्हें अच्छे से सेक लीजिए। अब देखिए, इन्हें हम चाशनी में डालेंगे। ये घी बहुत ज़्यादा सोक नहीं करेंगे। और अब देखिए, चाशनी में आप इन्हें अच्छे से डिप कर दीजिए और सिर्फ 4-5 मिनट, इससे ज़्यादा मत रखिए। सिर्फ 4 मिनट में, 5 मिनट में ये सोख हो जाएंगे चाशनी में। और अब इन्हें हम चलनी में निकाल लेंगे, ताकि एक्स्ट्रा कोई चाशनी है तो नीचे गिर जाएगी वो। तो देखिए, इतनी अच्छी मिठाई ये बन गई है। 2-3 मिनट आप चाशनी में इसे रखिए इस तरह से और चलनी में डाल लीजिए 2-3 मिनट के लिए। तो देखिए, कितनी अच्छी मिठाई रेडी हो गई है, बहुत ही जल्दी बनी है, ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है। और इस पर हम थोड़ा सा काजू पाउडर डाल देंगे, आप पिस्ता या कोई भी ड्राई फ्रूट डाल लीजिए, ये वैसे भी बहुत अच्छी लग रही है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।